नमस्कार दोस्तों, अगर आप दिल्ली से हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना का लॉन्च किया है और इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और 800 श्रमिक मित्र निर्माण श्रमिकों के घर तक पहुंचकर उन्हें सरकारी योजना से जोड़ने का काम करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप निर्माण श्रमिक है तो इस योजना का लाभ आपके पास कैसे पहुंचेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही ढेर सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यहां आप देख सकते हैं दिल्ली के निर्माण श्रमिकों द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना लॉन्च की है और इस योजना के तहत 800 श्रमिक मित्र निर्माण श्रमिकों के घर तक पहुंचकर उन्हें सरकारी योजना के बारे में बताएंगे और उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे और साथ ही साथ उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में शुरू किए गए सारे योजनाओं की जानकारी देंगे ताकि वे किसी योजना से वंचित ना हो। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि श्रमिकों के लिए सरकार योजनाएं तो बनाती है लेकिन श्रमिकों की इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसके वजह से श्रमिक बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसी परेशानी को देखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को समय पर इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और उन्हें जागरूक करना है। और जो श्रमिक मित्रों को तैयार किया गया है, जो जिला विधानसभा और वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी वार्ड में कम से कम 3 से 4 श्रम मित्र हो जो निर्माण श्रमिकों की सहायता कर सके। और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जब तक श्रमिकों को लाभ नहीं मिल जाता है तब तक उनकी सहायता करना है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि श्रमिकों के बच्चों में टैलेंट तो बहुत होता है लेकिन वो बड़े सपने देखने से डरते हैं। दिल्ली सरकार का उद्देश्य श्रमिकों में आत्मविश्वास जगाना है कि उनके सभी सपनों को पूरा करने के लिए सरकार उनके साथ है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन बोर्ड से रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को दिल्ली सरकार से क्या क्या लाभ मिलेगी और किन किन योजनाओं के तहत मिलेगी। तो दोस्तों, श्रमिकों को दिल्ली सरकार से मिलने वाली सहायता के तहत घर निर्माण के लिए 3 से 5 लाख रुपए, वहीं मातृत्व लाभ में 30,000 रुपए, टूल खरीदने के लिए 20,000 रुपए का लोन एवं 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही साथ श्रमिकों के प्राकृतिक मृत्यु पर 1 लाख एवं दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं अगर कोई श्रमिक अपंग हो जाता है तो उसे 1 लाख की सहायता राशि और 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की योजना है और बच्चों की स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए 500 से 10,000 रुपए प्रति माह, श्रमिकों और उनके बच्चों के विवाह के लिए 35,000 से 51,000 रुपए सहायता राशि देने की योजना है और साथ ही साथ मेडिकल असिस्टेंस के लिए 2,000 रुपए, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 3,000 रुपए प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी। दोस्तों, सरकार द्वारा अलग अलग जगहों पर रजिस्ट्रेशन कैंप चलाकर लगभग 6 लाख निर्माण श्रमिक को इस योजना से अभी तक जोड़ा जा चुका है। दोस्तों, अगर आप भी निर्माण श्रमिक है तो आप नजदीकी श्रमिक मित्र से मिल लें और आप अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि श्रमिक मित्र योजना क्या है और इस योजना के तहत आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।